गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज सब लोग को स्वागत करता हूँ मेरे एक बहुत ही लंबा सफ़र में। तो क्या मेरा सफ़र होने वाला है गुवाहाटी से बेंगलोर तक बाय फ्लाइट। तो मैंने आज विमान से जाऊँगा बेंगलोर गुवाहाटी से। तो अभी मैं फिलहाल आ गया हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट के सामने। ये जो एयरपोर्ट है एक्चुअली गुवाहाटी एयरपोर्ट है और ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगर इस एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे तो ये है, इसके पास पूरा नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ भरदल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और ये स्थापना हुआ थे 1958 में और ये एक्चुअली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ यहाँ से पहला जो इंटरनेशनल फ्लाइट गया था वो गया था बैंकॉक, जो कि 2002 में गया था। तो ये इसे थोड़ा मतलब इस एयरपोर्ट की थोड़ा इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद अगर बता दूँ कि ये जो टिकट विकेट जो मैंने लिया हो, मैंने एक्चुअली टिकट लिया हो, देखो ना कभी कभी हम लोग सोचते हो कि ट्रेन से जाना बहुत सही है, तो फ्लाइट से भी देखो भाई। अभी तो आजकल ऐसा हो गया कि जो दक्षिण का मतलब टिकट है ना वो मिलता ही नहीं है ट्रेन में, तो इसलिए फ्लाइट से हम लोग को जाना पड़ता है। तो अभी जो मेरा टिकट हो गया 5700 में हो गया, तो मैंने लिया था एक्चुअली फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट में कभी कभी कोड रहता है, तो उसी कोड से आप लोगों को कभी कभी 1000 रुपये या 1500 तक मतलब आपको ऑफर मिलते हैं, तो इसीलिए मतलब वही सही है भाई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो आप लोग वहाँ से ले लेना। फिलहाल मैं चलूँगा अभी अंदर, क्योंकि मेरा जो फ्लाइट है वो है 11:15 में और मेरा फ्लाइट एक्चुअली डिले हो गया। तो मेरा ओरिजिनल टाइमिंग था वो 7:25 में था, लेकिन पता नहीं कुछ कारण से हो गया। तो पहला टाइम इतना नहीं हुआ था, तो लास्ट टाइम आया था उस टाइम 1 घंटा हो गया था। तो अभी पहले से मैसेज आ गया कि बहुत भाई देखो मुझे पहुँचने वाला था इसी टाइम 10:25 में, मुझे बेंगलुरु में होना चाहिए था, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहीं पर भटक गया। तो इसलिए मैं देर से आया हूँ क्योंकि मुझे मैसेज पहले से मिल गया, तो एक्चुअली थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो चलो फिलहाल चलता हूँ एयरपोर्ट के अंदर और देखो कुछ नज़ारा जो है आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से कुछ नज़ारा। तो ये पार्किंग, पूरा पार्किंग है और ये है अपना इंडिया का फ्लैग है भाई, जय हिंद। और पूरा पार्किंग देख लो भाई, बेंगलुरु में तो बहुत ज़्यादा एरिया है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एरिया तो है नहीं, छोटा सा एरिया है, छोटा सा एयरपोर्ट है, वो भी नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है भाई। तो अपना तो क्या है ना, अपना जो भी है वही सही है भाई। वहाँ तो बहुत बड़ा सिटी है एक्चुअली बेंगलुरु की, लेकिन उसकी सबसे गुवाहाटी जो है बहुत ही छोटा सिटी है, अभी सही है। देखो ये सबसे बड़ा है लेकिन लोग कैसे बैठ रहे हैं। तो चलो अंदर जाता हूँ और जाके कुछ चेकिंग वेकिंग कुछ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बैग मेरे पास है नहीं, मेरे पास छोटा सा बैग है, एक शर्ट है बस और कुछ दवाई है जो कि मुझे नहीं पीने मतलब खाना चाहिए, उसी को लेकर चलता हूँ। तो इस टाइम में आप लोग देख लो छोटा सा एयरपोर्ट की नज़ारा भाई। हर एयरपोर्ट में क्या होता है ना, उनका जो खुद का जो कल्चर है वो दिखाता है। तो असम में भी दिखाया, देखो ये है तलातल घर, ये है मतलब असम का कुछ संस्कृति है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया था भाई, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अभी फिलहाल मैं लूँगा एंट्री क्योंकि मेरा टाइम नज़दीक ही होने वाला है। तो मेरा जो फ्लाइट है वो फ्लाइट है भाई यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, जो कि 11:15 है, तो मुझे उसी से जाना पड़ेगा। तो चलो फिलहाल एंट्री देता हूँ। जो गेट है गेट यही पे है एंट्री प्रवेश। तो चलो, तो एंट्री पूरा हो गया। देखो कितना लंबा लाइन है, जो कि मुझे लग रहा है कि बेंगलुरु का ही होने वाला है। तो भाई तो सिक्योरिटी हॉल का फोटो नहीं उठाना, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैंने ले लिया एंट्री। तो चलो अभी लाइन में लगता हूँ, बोर्डिंग पास का चेकिंग करना पड़ेगा। तो मेरा एक ही बैग है भाई, तो फसल तो फाइनली गेट पूरा अभी एंट्री हो चुका हो। देखो यहाँ का कुछ नज़ारा है, तो एयरपोर्ट एक्चुअली क्या है ना, अंदर में पूरा सजा के रखा है, तो कुछ मार्केटिंग वगैरह है तो ऐसे मारे खेल पूरा ऐसे। लाइन लग गया है आकाशा यार, देखो मेरे लिए पहले बार है आकाशा यार, एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो बहुत घुमा हूँ, लेकिन आकाश यार में पहले बार पता नहीं एक्सपीरियंस कैसे रहेगा। तो भाई अभी इसी दिन ले जाएगा, पता नहीं क्या भाई। तो देखो भारी नज़ारा, तो क्लियरली तो आ रहा है ना, ये पे बैठने का सीट नहीं मिला, जो कि बेंगलुरु का BMTC बस है ना, सेम टू सेम बस। तो चलो नजदीक जाता, तो बढ़िया लग रहा है, मज़ा लगता है सर एक्चुअली। राइड है यार, तुम
देखो पायलट साहब किधर बैठे हुए, ठीक है, फोटो जैसे चला भाई। अरे देखा क्यों नहीं दे रहे भाई अंदर ना, मुझे ऐसे नहीं देखे दे रहे अंदर नहीं गया, तो वहाँ पे बैठ कर ऑटो चलाता है, ठीक है। तो बाकी जो फ्लाइट है ये फ्लाइट से हम लोग जाएंगे बेंगलुरु, तो चलो अंदर जाके देखते हो। ये मेरे लिए नया है क्योंकि इसी में अभी तक मैंने उठा नहीं हो, देखो आकाश है यार। ठीक है सलो, बहुत अर्जेंट है एक्चुअली, बहुत लेट हो गया साला, बुड्ढा है बहुत लेट करता है, तो चलो अंदर जाता हूँ। हम लोगों को ना आहिस्ते से वेलकम करेगी, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं वेलकम। अरे भाई यही है, गजब बेइज्जती थी भाई, ये भी तो होना चाहिए था। तो यहाँ पे खड़ा होकर ना इंडिगो में बोलता है वेलकम सर वेलकम सर, लेकिन अभी हम लोग को कोई वेलकम नहीं कर रहा है, बाहर कुछ देखे नहीं रहे, कोहरा तो है ना कोहरा लग गया है, तो इसलिए ये भी बैठ के चलना पड़ेगा बेंगलुरु तक, तो चलो डायरेक्ट बेंगलुरु। इसी से हम आया, बहुत ज़्यादा फ्लाइट इधर रहता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अभी एकदम नज़दीक आ गया हूँ, मान लो पूरा बेंगलुरु आ गया, ऐसा दूसरा दूसरा फ्लाइट क्या है, तो ये वाला हमारा वाला था, तो चलो बाहर निकलता हूँ। तो गाइस फाइनली आ गए हो बेंगलुरु पे, तो सफ़र काफ़ी सही था, पूरा सो गया था, और जो आकाश है यार ये इंडिगो से काफ़ी सही है। और फिलहाल मैं आ गया हूँ बेंगलुरु एयरपोर्ट में, जो कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है भाई, ये अंदर इतना सारा फ्लाइट है क्या बताओ, तो एरिया भी बहुत बड़ा है और एयरपोर्ट तो बहुत ही जगह करता है ना, तो सामने कुछ लिखा भी है आई लव ट्रिप करके कुछ है। सो थैंक यू सो मच आप लोग सबको इस ट्रैवल को देखने के लिए, तो मिलते हो आप लोगों से एक दूसरा ट्रैवल लेकर, बहुत बढ़िया सा ट्रैवल तो अभी शुरू हो जाएगा मेरा, बहुत ही बढ़िया सा ट्रैवल।